ओके फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हम पढ़ रहे हैं क्लास मैमेलिया। ठीक है, तो क्लास मैमेलिया में हमने देखा था लास्ट सेक्शन में कि क्लासिफिकेशन क्या है उसका, और उसके पहले हमने देखे थे जनरल फीचर्स मैमल्स के क्या हैं और उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है क्लासिफिकेशन जो हमने देखे थे, तो इनिशियल क्लासिफिकेशन से जो है हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन कौन से मैमल्स जो हैं उस क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने देखा था वो था प्रोटोथेरियन। ठीक है, प्रोटोथेरियन में हमने देखा था कि एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ये, सो दे आर द एग लेइंग मैमल्स। ठीक है, वाइविपैरस होते हैं और ओविपैरस होते हैं और एग ले करते हैं। ठीक है, दूसरा दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी है, ये कनेक्टिंग लिंक है जो उन्हें जोड़ती है। तो जो प्रोटोथेरियंस है दे आर द प्रिमिटिव मैमल्स। ठीक है, दे आर द प्रिमिटिव मैमल्स एंड दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैमल्स एंड द रेप्टाइल। सो व्हाई दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल, बिकॉज दे रिजेंबल रेप्टाइल्स इन हैविंग क्लोका। ठीक है, इन हैविंग कैराकोइड, इन हैविंग क्लीडोइड एग। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो हैं, साथ ही एब्सेंट ऑफ पिन्ना, ठीक है, एंड थीकोडोंट टीथ। ठीक है, तो ये थीकोडोंट टीथ जो है, मैंने आपको बताया था कि सॉकेट में जो टीथ रहते हैं उन्हें हम थीकोडोंट टीथ कहते हैं, जो कि मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन चूंकि प्रोटोथेरियंस जो हैं, दे आर द प्रिमिटिव मैमल्स, उनमें ना तो पिन्ना होता है ना ही थीकोडोंट टीथ होते हैं, और इसलिए दे रिजेंबल टू द रेप्टाइल इन नॉट हैविंग पिन्ना एंड नॉट हैविंग द थीकोडोंट टीथ, बट दे रिजेंबल द रेप्टाइल बाय हैविंग द क्लोका, दैट इज द एपर्चर, दैट इज द कॉमन एपर्चर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एक्सटीरियर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एंड द कैराकोइड, इट इज अ बोन ऑफ अ शोल्डर विच इज फाउंड इन टू द रेप्टाइल्स एंड विच इज फाउंड इन टू द मैमल्स। क्लीडोइड एग इज वॉट, जिसमें की शेल होती है, जिसमें की तीन मैम्ब्रेन होती है, एमनियन, एलेंटॉइज एंड योक्स एक होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है क्लीडोइड एग। इनका जो एग होता है प्रोटोथेरियन का, वो जो है योक्स एक जो है उसमें काफी होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इनमें जो योक होता है वो काफी जो है वेल डेवलप्ड योक से होता है। ठीक है, हमारी प्रोटोथेरियन से दे रिजेंबल द रेप्टाइल्स इन हैविंग द क्लोका, इन हैविंग द एराकोइड एंड द क्लीडोइड एग। एग इज विद वेल डेवलप्ड योक से, दैट इज अबंडेंट योक इज देयर। ओके, एंड लार्ज एग, दे आर हैविंग द लार्ज एग एंड abundant yolk। ठीक है, साथ ही there is absent of pinna, thecodont teeth like the reptiles। They resemble the mammals in having what? They resembles in having the mammary gland। ठीक है, जो कि एक important feature है mammals का, और इनकी जो mammary gland होती है it is without the nipples। ठीक है, तो mammary glands, okay, it's the second is diaphragm। डायफ्राम जो है वो इनमें होता है, और थर्ड इज हेयर्स, जो स्किन होती है उसमें हेयरी एक्सोस्केलेटन होता है। तो इन तीनों फीचर्स के कारण दे रिजेंबल्स द मैमल्स। ठीक है, तो प्रोटोथेरियन के एग्जांपल्स जो हैं वो हैं डक प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर।
तो यहाँ पे हम डक बिल्ड प्लैटिपस का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, कैसा होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं डक बिल्ड प्लैटिपस और इसका नाम है ऑर्निथो रैंकस। ठीक है, किस प्रकार का इसका जो है देखेंगे हम, ग्रेश कलर का होता है, ब्राउन कलर के इसके ऊपर जो है फर होते हैं, हेयर्स होते हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होते हैं जिसमें कि फोर लिम्ब्स जो हैं इसके वेब्ड होते हैं और हिंड लिम्ब्स जो हैं वो क्लॉड होते हैं। ठीक है, इसकी जो टेल है वो फ्लैटेंड टेल होती है। ठीक है, टेल इज फ्लैटेंड। वूली फर जो है होते हैं इसकी, और इस प्रकार आइज जो है वो रहती हैं, और इसका जो बीक शेप जो है, इसका स्नाउट जो है बीक शेप होता है, और हैरी फर पाए जाते हैं बॉडी पे, हेयरी फर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है डक बिल प्लेटिपस जो है ये रहता है। ठीक है, तो इसका हैबिटेट जो है क्या है देखेंगे। तो हैबिटेट जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में ये पाया जाता है। ठीक है, तो बैंक्स ऑफ रिवर एंड पोन्ड्स पे पाया जाता है, किनारों पर ये मिलता है रिवर और पॉन्ड्स के, और वहां पे जो है इसे देखा जाता है। ठीक है, तो एक्वेटिक होता है ये। ठीक है, हैबिट्स जो हैं, हैबिट्स यदि हम इसकी देखें तो हैबिट्स में ये कार्निवोरस होता है, इट कैन स्विम वेरी वेल, कैन वॉक वेरी वेल। ठीक है, स्विम एंड वॉक, ओविपेरस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ओविपेरस होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओके एंड फाइन। ठीक है, ये जो है वेप्ड दिख रहे हैं इसके, जो फ्रंट जो लिम्स होते हैं, जो फोर लिम्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जिसकी मदद से इजीली पानी में तैर पाता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी हैबिट्स हैं। इसके एक्सटर्नल फीचर्स यदि हम देखें, या सैलियंट फीचर्स या इम्पॉर्टेंट फीचर्स, तो क्या क्या हम देखते हैं। ठीक है, इसका जो बॉडी होता है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल इस प्रकार रहता है। हेड में जो है डक लाइक बीक होती है, फ्लैट फ्लैट बीक। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज द बीक। ओके, आईज एंड ईयर अपर्चर कैन बी क्लोज्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक ही फ्लैप लाइक एक पार्ट होता है जिसकी मदद से आईज और ईयर के अपर्चर जो है वो एक साथ क्लोज करे जा सकते हैं और ओपन करे जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द आईज। ठीक है, बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ग्रे ग्रेश सिलेंड्रिकल बॉडी, अराउंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉडी होती है इसकी। ठीक है, जो कि कवर्ड बाय ब्राउनिश हेयर्स, ब्राउनिश हेयर्स के द्वारा ये कवर्ड रहती है। ठीक है, ओके, ठीक है, देन लिम्स जो हैं,
ठीक है, पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं जिसमें कि फोर लिम्स जो हैं वो वेब्ड होते हैं और हेल्प करते हैं स्विमिंग में। हिंड लिम्स जो होते हैं वो क्लॉड होते हैं जो कि ऑफेंस और डिफेंस में मदद करता है। ठीक है, जो टेल है और साथ ही हिंड लिम्स पर जो है स्पर होते हैं, ठीक है, जहां पर कि पॉइजनस ग्लैंड होती हैं। और ये एक अकेला मैमल है जो कि पॉइजनस होता है, तो दिस इज द ओनली मैमल्स विच इज पॉइजनस, ओनली मैमल विच इज पॉइजनस। ठीक है, तो स्पर जो होता है हॉर्नी स्पर होता है कहां पे, हिंड लिम्ब पे, जो कि पॉइजनस होता है। ठीक है, वेब्ड फोर लिम्ब, क्लॉ, हिंड लिम्ब, फ्लैटेंड टेल। ओके, टेल जो होती है इसकी फ्लैटेंड होती है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। इसकी हैबिट्स में कुछ और पॉइंट्स जो है वो जो कि मैं बताना चाहूंगी कि ये जो है इसके जो एग्स होते हैं वो बरोज में फीमेल जो है वो ले करती है। फीमेल लेज एग इन नेस्ट ऑफ ग्रास, ग्रास से बना हुआ नेस्ट रहता है इन बरोज। बरोज में जो है ग्रास से बना हुआ नेस्ट होता है जहां पर कि फीमेल्स एग ले करती है और फीमेल्स ही इंक्यूबेट करती है एग्स को। ठीक है, फीमेल इंक्यूबेट्स एग्स वेयर द मेल्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, जहां पर फीमेल्स जो है एग ले करती है वहां मेल्स जो है वो अलाउड नहीं होते। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट फिनोमेना। तो ये जो है इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, बरोज में ये रहता है। ठीक है, और फीमेल्स जो है एग ले करती हैं इन द नेस्ट ऑफ ग्रास इन द बरोज वेयर द मेल्स आर नॉट अलाउड एंड फीमेल इंक्यूबेट द एग्स। ठीक है, और ये कॉर्निवोरस होता है, स्विमिंग कर सकता है, ओवीपैरस होता है और यूनिसेक्शुअल होता है एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है इनमें होता है। ठीक, तो दीज आर द डिफरेंट फीचर ऑफ द डक बिल प्लैटिपस और ऑर्निथोरैंकस। इसकी खास बात इसकी फ्लैटेंड बीक है, डक लाइक बीक। ठीक है, और ये जो है इसमें स्पिन्ना जो है आप देख सकते हैं कि नहीं होता और वेब्ड फोर लिम्ब होते हैं और क्लॉड हिंड लिम्ब। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ डक बिल प्लैटिपस जो कि एक एग्जाम्पल है प्रोटोथेरियन का, एक ओवी पैरस है और इसका एग जो है वो लार्ज होता है। ठीक है, और उसमें योक जो है वो काफी ज्यादा होता है और इस प्रकार दे आर द ओनली ओवी पैरस मैमल्स। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोटोथेरियंस के बाद जो डिवीजन था वो था थेरियंस। थेरियंस जो है मैंने आपको बताया था, थेरियंस वो एनिमल्स होते हैं जिनमें कि क्लोका नहीं होता। ठीक है, दैट मींस कि एनल अपर्चर एंड एक्सक्रीटरी अपर्चर्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, कंबाइन नहीं होते। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थेरियंस एंड प्रोटोथेरियंस। उसके बाद दे हैव द प्लेसेंटा, इनमें जो है प्लासेंटा जो है वो होता था। ठीक है, तो इनको कहा थेरियंस। ठीक है, अब थेरियंस में जो है दो इंफ्रा क्लास थी, फर्स्ट थी मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस। ठीक है, तो मेटाथेरियंस में क्या होता है, मेटाथेरियंस जो होते हैं, ठीक है, मेटाथेरियंस जो होते हैं इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो इनमें जो है मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं विद निपल्स। ठीक है, ठीक है, तो पहले जो है हमने देखा जो प्रोटोथेरियंस थे उनमें हमने देखा मेमोरी ग्लैंड्स तो हैं बट निपल और टीट्स नहीं होते और इसलिए जो यंग वंस होते हैं दे लैप्स ऑन द हेयर्स, जो मिल्क सिक्रीट होता है वो हेयर्स को लैप करके और वो जो है उसे
फीड करते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है मेटाथेरियंस में मैमरी ग्लैंड्स हैं और निपल्स भी होते हैं, ठीक है। इनमें यूटेरस और वजाइना जो है वो डबल होती है, डबल यूटेरस एंड वजाइना, ठीक है। लेकिन इनका जो प्लासेंटा होता है वो सिंपल होता है और वेल डेवलप नहीं होता है, इसे योक सैक प्लासेंटा कहा जाता है, ठीक है। योक सैक प्लासेंटा इन्हें कहा जाता है। इनमें ये मार्सुपियल कहलाते हैं क्योंकि इनमें मार्सुपियल आ और पाउच्ड एनिमल। क्यों कहलाते हैं मार्सुपियल और पाउच? क्योंकि इनमें जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक मार्सुपियम होता है या पाउच होता है जिसमें कि वो यंग वंस जो होते हैं, जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं, उनको उस पाउच में रखती हैं और फिर उनको वहां पर रेयर करती है अंटिल दे मैच्योर, ठीक है। तो इसलिए ये कहलाते हैं मार्सुपियल या पाउच्ड एनिमल्स हैविंग एन एब्डोमिनल पाउच। इनमें जो है एक एब्डोमिनल पाउच होता है, इसलिए इन्हें मार्सुपियल कहा जाता है। इसका जो एक एग्जाम्पल है, हमने पता है, मैंने बताया था पहले भी कि कैंगरू जो है वो इसमें आते हैं, कैंगरूज या मैक्रोपस ठीक है, कैंगरू और मैक्रोपस ठीक है। अब इसमें ये मार्सुपियल या पाउच होने का क्या सेंस है? एक्चुअली जो न्यूबॉर्न्स होते हैं इनमें मेटाथेरियंस में, चूंकि प्लासेंटा काफी जो है प्रिमिटिव काइंड ऑफ रहता है, सिंपल काइंड ऑफ रहता है, इसलिए जो प्लासेंटा है वो जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, जो बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता उसके लिए, और इसलिए जो न्यूबॉर्न होता है वो बहुत ही इमैच्योर कंडीशन में बोर्न होता है। इट इज नेकेड और ब्लाइंड होता है, ठीक है। जो स्किन पे हेयर्स नहीं होते वो ब्लाइंड होता है, वो जो है बेबी जो है वो देख नहीं सकता, ठीक है, और काफ़ी इमैच्योर होता है। और इसलिए अंटिल जो न्यूबॉर्न है वो मैच्योर हो, इसके लिए फीमेल्स क्या करती हैं, उसे मार्सुपियम में ये पाउच में कैरी करती हैं, ठीक है। उसे जो है मैमरी ग्लैंड के सिक्रेशन दैट इज मिल्क पर फीड कराती है अंटिल इट बिकम मैच्योर, और उसे पाउच में कैरी करती हैं, ठीक है। तो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ मार्सुपियल और पाउच, ठीक है। तो कैंगरू और मैक्रोपस जो है उसका एग्जांपल हम देखेंगे किस प्रकार ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कैंगरूज जो है वो रहते हैं, ठीक है। इनकी जो ठीक है, तो इस प्रकार से कैंगरू होते हैं, यहाँ पे पाउच रहता है एब्डोमिनल पाउच जिसमें कि दे कैरी द न्यू बोर्न, ठीक है। दिस इज द पाउच और मार्सुपियम, ठीक है। हेड जो आप देख सकते हैं इसका काफी स्मॉल होता है इस कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट,
टेल इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि टेल काफ़ी जो है स्ट्रांग होती है, मस्क्यूलर होती है और काफ़ी लार्ज टेल होती है। ये टेल जो है इनको चलने में मदद करती है, अपना बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है, बिकॉज ये जो है अपने दो हिंड लिम्स पर भी जो है चल सकते हैं, जंप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये टेल जो है इन्हें हेल्प करती है चलने में, ठीक है। ओके, सो ये जो है इसके फीचर्स हैं। देन इसके जो फोर लिम्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द हिंड लिम्स, ठीक है। तो मैक्रोपस, इसके फीचर्स हम देखेंगे, मैक्रोपस के फीचर्स क्या क्या हैं। तो मैक्रोपस के बारे में यदि आपको पता हो तो ये जो है नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये मिलता है, ठीक है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया में ओपन फॉरेस्ट में ये मिलता है, ठीक है। ड्राई एरिया में, थोड़े वार्म एरिया में जो है ये मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया में ये मिलता है, ठीक है। हैबिट्स इसके देखेंगे क्या क्या हैं। ओके, ओके, इसका मेटाथेरियंस का भी एक जो था वाइवी पैरस है ये, तो ये भी वाइवी पैरस होता है जो कैंगरू होता है, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें देखने को मिलता है, जो फीमेल्स हैं वो स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, और उनमें पाउच होता है, एब्डोमिनल पाउच टू कैरी द न्यू बोन्स, एंड साथ ही एब्डोमिनल टीट्स होते हैं जहाँ से कि मैमरी ग्लैंड का सिक्रेशन रिलीज होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और वाइवी पेरस होते हैं, ठीक है, दे आर वाइवी पेरस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल कैरीज न्यू बोन्स इन हर पाउच, अंटिल द न्यू बोन्स गेट मैच्योर। वाई? बिकॉज न्यू बोन्स आर बोन इन बोन नेकेड एंड ब्लाइंड एंड इन वेरी इमैच्योर कंडीशन, इमैच्योर कंडीशन में होते हैं, और इसीलिए जो न्यू बोन्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते ऑन देयर ओन, ठीक है। इसलिए फीमेल्स जो है उन्हें कैरी करती है अपने एब्डोमिनल पाउच में, ठीक है। साथ ही जो मिल्क है इज रीच्ड इन थ्रोट ऑफ न्यू बोर्न, थ्रोट और माउथ ऑफ न्यू बोर्न बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, एब्डोमिनल मसल ऑफ मदर, ठीक है। तो जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं मदर की, उनके कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो मेमरी ग्लैंड से सिक्रीशन रिलीज होता है, मिल्क रिलीज होता है, और वो बेबी के माउथ तक जो है वो पहुंचता है, ठीक है। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो बहुत इमैच्योर। तो जो मैक्रोपस या कैंगरू है उसकी हैबिट्स हम देख रहे हैं, ठीक। तो ये जो होते हैं इनमें दे आर ग्रिगेरियस, ठीक है, ग्रिगेरियस होते हैं, ग्रुप में ये रहते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, ठीक है। दे कैन वॉक ऑन देयर फोर लिम एंड दे कैन लीप ऑन, ठीक है, दे आर हिंड लिम्स, जो हिंड लिम्स हैं उस पे जो है ये जंप कर सकते हैं, और सिर्फ टू लिम्स पर इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जंप करते हुए हमें दिखाई देते हैं कैंगरूस, ठीक है। और ये जो होते हैं इनकी जो टेल होती है वो एक फिफ्थ लिम का काम करती है, बिकॉज काफी मस्क्यूलर होती है, टेल इज वेरी लार्ज एंड मस्क्यूलर,
जो कि हेल्प करती है इन्हें वॉक एज अ फिफ्थ लिम्ब, ठीक है। तो इसके फिफ्थ लिम्ब की तरह इनकी टेल काम करती है, ठीक है। तो हैबिट्स में हमने देखा ग्रिगेरियस है, हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, दे आर ग्रिगेरियस हर्बीवोरस, वॉक ऑन द फोर लिम्स एंड दे कैन लीप ऑन द हिंड लिम्स, ठीक है। द टेल वर्क एज अ फिफ्थ लिम्ब, ठीक। उसके अलावा हमने देखा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें मिलता है, ठीक है। वाइविपेरस होते हैं, लेकिन जो बेबीज होते हैं वो बहुत ही इमेच्योर कंडीशन में डेवलप जो है बोन होते हैं, दे आर जस्ट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसलिए जो है उन्हें जो मदर्स हैं वो उनके बैली में जो पाउच होता है उसमें कैरी करके रखती हैं, ठीक है। जो मैमरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो बेबी के माउथ तक पहुंचाया जाता है, कैसे, मदर की जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसकी वजह से जो सिक्रीशन है वो बेबीज के माउथ तक पहुंचता है फ्रॉम द टीट्स, ठीक है। बिकॉज द बेबीज आर सो इमैच्योर दैट दे कैन नॉट सक ऑन देयर ओन, ठीक। तो ये इनकी हैबिट्स हमने देखी कैंगरूज की, बहुत ही डिफरेंट जो है, हमने देखा कि भाई मार्सुपियल एनिमल इन्हें कहा जाता है और पाउच में कैरी करके रखती है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है कैंगरूज का, ठीक है। अब हम इनके जो है सैलियंट फीचर या एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स में जो है अराउंड 180 सेंटीमीटर हाई ये होता है, ठीक है, हाइट इसकी 180 सेंटीमीटर तक होती है। हेड, नेक, ट्रंक और टेल इस प्रकार बॉडी पार्ट रहते हैं। जो हेड होता है इसका आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली बॉडी के कंपैरिजन में हेड स्मॉल होता है, ठीक है। पिन्नाज होते हैं, दो स्मॉल पिन्ना, आईज, नॉस्ट्रिल, ठीक है, यहां पर जो है इस प्रकार नॉस्ट्रिल होते हैं और पिन्नाज होते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी जो है वो लार्ज बल्की बॉडी होती है और जो लिम्स होते हैं फोर लिम्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और हिंड लिम्स जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो है आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज के हैं एज कंपेयर टू फोर लिम्स, ठीक है। तो दिस इज फोर लिम्ब एंड दिस आर हिंड लिम्ब्स, तो हिंड लिम्ब्स जो होते हैं वो काफी लार्ज इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू द फोर लिम्ब्स एंड द लिम्ब्स आर पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स होते हैं इनमें, ठीक है। टेल ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि टेल इज मस्कुलर एंड स्ट्रांग, ठीक है। जो टीट्स होते हैं मैमरी ग्लैंड होती है एब्डोमेन पे रहती है एंड टीट्स ऑन एब्डोमेन ऑफ फीमेल, ठीक है। तो फीमेल्स में एब्डोमेन पर मैमरी ग्लैंड होती हैं और टीट्स होते हैं, साथ ही जो मेल से जो फीमेल है उसमें क्या डिफरेंस होता है, एक तो पाउच होता है एब्डोमिनल पाउच, दूसरा टीट्स होते हैं, ठीक है, दैट इज निपल्स होते हैं ऑन एब्डोमेन, ठीक है, एंड स्मॉलर इन साइज होती है, ठीक है। तो मेल्स से जो है स्मॉल इन साइज होती है फीमेल्स, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक। तो ये जो है मार्कोपस या कैंगरू के हमने एक्सटर्नल फीचर्स देखे, ठीक है। तो जो मेन चीज है वो ये हेड कंपेरेटिव टू बॉडी स्मॉल है, फोर लिम्ब्स स्मॉल है कंपेयर टू हिंड लिम्ब काफी लार्ज है और स्ट्रांग है, टेल मस्क्यूलर है और काफी लार्ज है। इसकी जो टेल होती है उसका जो मीट होता है वो खाया जाता है और जो टेल का मीट है दैट इज यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। तो ये हमने मेटाथेरियन देखा, मेटाथेरियन जिसका कि प्लासेंटा प्रिमिटिव होता है, बहुत वेल डेवलप नहीं होता और इसलिए जो न्यूबॉर्न्स होते हैं ऑल्दो दे आर वाइविपेरस तो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो काफी इमेच्योर कंडीशन में होते हैं और इसलिए उन्हें जो फीमेल्स है वो पाउच में कैरी करके रखती हैं। तो ये हमने देखे मेटाथेरियंस और उनका एक एग्जाम्पल दैट इज मॉर्कपस, मैक्रोपस और कैंगरू, ठीक है। तो ये हो गए मेटाथेरियंस, अब हम देखेंगे यूथेरियंस, उनकी क्या खास बात है।
ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट इंफ्रा क्लास है वो है थेरियंस की यू थेरिया। यू दैट मीन्स नॉर्मल। तो यू थेरिया में जो है प्लासेंटा होता है वो नॉर्मल होता है, दैट मीन्स वेल डेवलप्ड ट्रू प्लासेंटा। ठीक है, तो इनके क्या फीचर है? ट्रू वेल डेवलप्ड प्लासेंटा होता है इनमें, और साथ ही जो इंट्रा यूटेराइन पीरियड होता है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, और न्यू बोन आर बोन इन एडवांस स्टेज। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे थे मैक्रोपस में कि कैंगरू में क्या हो रहा था कि काफी इमेच्योर काइंड ऑफ बेबीज जो है वो बोन हो रहे थे, बट जो यूथेरियंस होते हैं उनमें प्लासेंटा वेल डेवलप्ड होता है, और इसलिए जो बेबी है वो इंट्रा यूटेराइन पीरियड उनका लॉन्ग होता है, ज्यादा समय तक यूट्रस में बेबीज रहते हैं, जिससे कि वो जो है काफी मैच्योर जो है एडवांस स्टेज में बोन होते हैं। हालांकि तब भी दे आर डिपेंडेंट ऑन द मदर फॉर फीडिंग एंड अदर फंक्शंस, बट स्टिल दे आर मैच्योर इनफ। ठीक है, तो ये एक फीचर है। दूसरा, यूटेरस और वजाइना जो होते हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं एंड कॉमन यूटरस और वजाइना बनाते हैं। ठीक है, सिंगल यूटरस और वजाइना रहती है। ठीक है, सिंगल कॉमन यूटरस है, वजाइना इज प्रेजेंट इन टू द यू थेरियन। ठीक है, दूसरा, कॉर्पस कैलोसम जो है इनमें प्रेजेंट रहता है, जो कि इसके पहले के जो थे उनमें नहीं होता। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम इज प्रेजेंट, जो कि क्या था? कॉर्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बीच में जो उन्हें कनेक्ट करता है उसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जो कि ब्रेन में रहता है। तो कॉर्पस कैलोसम जो है इनमें प्रेजेंट रहता है। दूसरा, गट और एक्सक्रीटरी ओपनिंग डिफरेंट सेपरेट होती है, क्लोका इनमें नहीं होता। ठीक है, इज सेपरेट। ओके, ठीक है, साथ ही मैमरी ग्लैंड और निपल्स इनमें रहते हैं। तो ये जो हैं सभी फीचर हैं हमारे यूथेरियंस के। ठीक, तो दिज आर ऑल द फीचर्स ऑफ यूथेरियन। ठीक है, अब हम देखेंगे यूथेरियंस में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिफरेंट जो उसके सब ऑर्डर्स थे हमने देखे थे, प्राइमेट्स थे, इंसेक्टिवोरस थे, सिटेशिया थे। ठीक है, तो वो अब धीरे वन बाय वन हम सभी पढ़ेंगे और उसके क्या एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसकी सब क्लास है, सब ऑर्डर जो है इसका, जो ऑर्डर है सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर जो है हम देखेंगे और वो है इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इंसेक्टिवोरस जो है क्या इनकी खास बात है? ये इंसेक्ट जो है इंसेक्टिवोरस होते हैं, दे फीड ऑन इंसेक्ट्स। ठीक है, दे फीड ऑन इंसेक्ट। एंड दूसरा फीचर ये है कि नॉक्टर्नल होते हैं। ठीक है, पुअर आईसाइट होती है इनकी। ठीक है, झाड़ियों में, बुशेज में ये रहते हैं। ठीक है, श्रब्स में, बुशेज में ये रहते हैं। नॉक्टर्नल होते हैं, पुअर आईसाइट होती है। दे फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, दे कैन फीड ऑन रेट एंड स्नेक्स। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस क्लास में जो है दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, रेट्स, स्नेक्स। इस प्रकार ये कॉर्निवोरस होते हैं। ठीक है, दे आर कॉर्निवोरस, और इनका जो प्लेसेंटा होता है वो काफी प्रिमिटिव काइंड ऑफ प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा इज प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लेसेंटा इनका होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हेजहॉग एंड मोल्स एंड श्रीव्स। ठीक है,
तो ये जो है इसके सभी एग्जाम्पल हैं जिसमें कि हम यहाँ पर हैज हॉग देखने वाले हैं। ठीक है, हैज हॉग जो होता है उसके ऊपर जो है स्पाइंस होते हैं। ठीक है, हेमिकाइनस भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो हैज हॉग और हैमी इकाइनस, इकाइनस मतलब होता है स्पाइंस। तो इसकी जो बॉडी पे जो है डॉर्सली स्पाइंस होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार होता है ये देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये टेल यहाँ होती है और बॉडी पर इस प्रकार स्पाइंस जो हैं इसके होते हैं। ये जो स्पाइंस होते हैं ये मॉडिफाइड हेयर्स हैं जो कि स्पाइंस बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ये रहता है आइस। ठीक है, तो हेजहॉग और हेमिकाइनस जो है हम देख रहे हैं इसके क्या फीचर है, हैबिटेट। ठीक है, तो ये सभी जगह पाया जाता है, बुशेस में रहता है, झाड़ियों के जो है अंदर ये रहता है छिपा हुआ। हैबिट्स में यदि हम देखें तो नॉकचर्नल होता है, कार्निवोरस होता है, सॉलिटरी रहता है। ठीक है, इट ईट्स रेट्स एंड स्नेक, स्नेक और रेट्स को भी ये मार सकता है। ठीक है, तो रेट्स और स्नेक्स को जो है ये मार सकते हैं। साथ ही जब डेंजर यदि कुछ रहता है कोई, इसको जो है डिफेंस की कंडीशन में ये क्या करता है कि इसकी जो बॉडी है इसे बॉल लाइक बना लेता है और इस प्रकार जो है ये कॉइल हो जाता है। तो इन डेंजर कॉइल एंड मेक बॉल लाइक शेप, बॉल लाइक शेप जो है वो बना लेता है जिसमें जो है इसके जो स्पाइंस है वो इरेक्टाइल हो जाते हैं और ये बॉल जैसा बन जाता है। तो ये एक इसकी हैबिट है जो कि ये डेंजर में करता है, यदि कुछ डेंजर हो तो इट कॉइल्स एंड इट मेक्स अ बॉल लाइक शेप ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये जो है इसकी खास बात होती है। अब इसके यदि एक्सटर्नल फीचर्स देखें तो क्या क्या मिलता है। एक्सटर्नल फीचर्स में बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो जो हेड होता है वो काफी स्मॉल होता है। ठीक है, इट बेयर्स द नेरिस, ठीक है, नेरिस कहें या नेजल सेक कहें, ठीक है, स्नाउट कहें, आईज और स्मॉल पिनर्स होते हैं रेट की तरह। ठीक है, दिस इज द पिना। यहां पे जो है नेरिस होते हैं, नेजल सेक होते हैं। ठीक है, आईज, ये जो है स्पाइंस है इसकी बॉडी पे। ठीक है, और ये जो है लिम्स हैं जो कि पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। ठीक है, वेंट्रली जो है एक टेल होती है जो कि यदि ऊपर से हम देखेंगे तो हमें टेल नहीं दिखती हेजहॉग की या हेमिकानस की। ठीक है, तो स्मॉल पिन्ना होता है, आईज होती है और नेरिस होता है। फिर ट्रंक जो है इट हैज स्पाइनी प्रोसेसेस होती हैं जो कि मॉडिफाइड हेयर्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं विच आर मॉडिफाइड हेयर्स। ठीक है, और मॉडिफाइड हेयर्स होते हैं। ठीक है, साथ ही पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं और कर्सोरियल मूवमेंट जो है रन कर सकता है, ये कर्सोरियल मूवमेंट ये शो करता है। ठीक है, लोकोमोशन जो है वो कर्सोरियल लोकोमोशन शो करता है, काफी तेजी से भाग सकता है। ठीक है, तो पेंटाडेक्टाइल लिम्स है और टेल जो होती है इसकी स्मॉल होती है।
अब ये जो हैजोग होता है ये हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि जो रैट्स और स्नेक्स हैं ये उन्हें किल करता है, इसलिए इट इज हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक, तो ये हमने देखा है इंसेक्टिवोरस, जो कि फर्स्ट ऑर्डर हमने पढ़ा यूथेरियन का। ये इंसेक्टिसाइड्स जो है, इंसेक्टिसाइड नहीं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, रेड स्नेक इंसेक्ट्स खाते हैं। इनका जो प्लेसेंटा है काफ़ी प्रिमिटिव काइंड ऑफ रहता है। ये नॉक्टर्नल होते हैं, इनकी आईसाइट काफ़ी पुअर होती है, और बुशेस में ये रहते हैं। ठीक है, ओके। साथ ही जो हेजहॉग होता है वो हाइबरनेशन भी शो करता है इन द विंटर, हाइबरनेट्स इन विंटर। तो ये भी एक इनकी हैबिट है जो कि हमने देखी। ठीक है, तो हेजहॉग में जो है डिफरेंट इसके फीचर देखे, खास तो इसके स्पाइंस है, और इसी की वजह से इसका नाम है हेमिकाइनस। और स्पाइंस जो है ये बॉल लाइक शेप बना लेता है बॉडी का, अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉइल करके, और डिफेंस के वक्त जो है ये ऐसा बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा इंसेक्टिवोरस। अब हम देखते हैं द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ यूथेरियंस।